हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, तो एक लॉट है जिसमें से कि 144 बॉल पेंस हैं जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब जो अच्छे पेंस हैं, सबसे पहले हमको अच्छे पेंस देखने पड़ेंगे, इसमें से अच्छे पेंस कितने हैं। तो गुड पेंस हैं आपके 144 माइनस 20, दैट इज 124। अब देख लेते हैं आगे। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इट इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी पेन तब खरीदेगी जब वो अच्छा होगा। ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट। अब देखिए, सी विल बाय इट मतलब उसने कौन सा वाला पेन खरीदना है, अच्छा वाला। तो अच्छे वाले की प्रोबेबिलिटी निकलने की कितनी है, 124 डिवाइडेड बाई कितना, 124 डिवाइडेड बाई 144। ठीक हो गया, तो इसमें से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 12, 4 1 4 एंड दिस इज 36। ओके, तो ये तो थी अच्छी। अब वो बोल रहे हैं कि सी विल नॉट बाय इट। सी विल बाय बाइट का मतलब है सिंपल है कि पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो नहीं खरीदने की क्या हो जाएगी, 1 - 31 डिवाइडेड बाई 36। बहुत ही सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो जो आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 36। ओके, अब देखिए, टू डाइस वन ब्लू एंड वन ग्रे एंड थ्रोन एट द सेम टाइम कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए, फुल है, पूरा टेबल है जिसको हमको फिल करना है। दो डाइस उन्होंने फेंके हैं और जो उनका सम है आने की, जो प्रोबेबिलिटी है, दो सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 36। तो जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमको चाहिए ही होते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे हैं कितने, 36। कैसे, देखिए, एक अगर आप डाइस फेंक रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, वन के साथ वन आ सकता है, वन के साथ टू आ सकता है, वन के साथ थ्री आ सकता है, वन के साथ फोर आ सकता है, और ऐसे ही पूरे छः आ सकते हैं। ऐसे ही फिर टू के साथ वन आ सकता है, टू के साथ टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, ऐसे आते रहेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हमारे पास, 36। अब देखिए कि उसमें से दोनों का मतलब क्या आएगा, टू में क्या आ सकता है, 101 आ सकता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 36। मतलब एक ही चांस है ऐसा कि जब ऐसा हो सकता है। तीन में देखिए क्या चांसेज हो सकते हैं, तीन में हमारे पास जो चांसेज बनते हैं वो है 1 2 आ सकता है या 2 1 आ सकता है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 36। अब देखिए, फोर में क्या आ सकता है, फोर में हमारे पास आ सकता है देखिए 1 3 3 1 या 2 2। मतलब तीन ऐसे चांसेज हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 36। फाइव में देखिए क्या चांसेज बन सकते हैं, 2 3 3 2 1 4 एंड 4 1। कितने चांसेज बने, 4 डिवाइडेड बाई 36 = 1 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए, सिक्स में क्या चांसेज बन सकते हैं, सिक्स में चांसेज बन सकते हैं हमारे पास 3 3 4 2 2 4 1 5 एंड 5 1। टोटल चांसेज कितने बने, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 36। अब देखिए, सेवन में क्या चांसेज बन सकते हैं, सेवन में हमारे पास चांसेज बन सकते हैं 4 3 का लॉट बन सकता है या 3 4 का चांस बन सकता है, 5 2 का बन सकता है या 2 5 का बन सकता है, या 1 6 बन सकता है या 6 1 भी बन सकता है। ठीक हो गया, तो ये कितने बन गए हमारे पास चांसेस, टोटल बन गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 36, इसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं। 8 में दोनों ने पहले से किया ही हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं खुद ही, कितने कितने बन सकते हैं। 9 में देखिए क्या बन सकते हैं, 6 3 3 6 4 5 एंड 5 4। तो कितने चांसेज बन गए ये, टोटल 4 4 डिवाइडेड बाई 36। 10 में देखिए चांसेज बन सकते हैं, 10 में बन सकते हैं आपके 5 5 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है। टोटल कितने चांसेज बन गए, 3 डिवाइडेड बाई 36। देखिए 11 में क्या बन सकता है, 11 में आपके पास 6 5 बन सकता है या 5 6 बन सकता है। ठीक है, तो कितने बने टोटल चांसेज, 2 2 डिवाइडेड बाई 36। 12 में क्या चांसेज बने, 12 में देखिए चांस बनेगा 6 6 का, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 36। ओके, अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट आर्गूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयर फोर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई 11। ओके, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई। अब वो बोल रहे हैं कि एक बच्चा बोल रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स इसके हो सकते हैं, therefore each of them has a probability 1/11, do we agree with this statement। तो जो हमारा जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम्स
11 different sums are not equally likely. ठीक है, तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट जो बच्चा बोल रहा है वो बिल्कुल भी क्या है, गलत है, उसे हम बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं. ओके, अब देखिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए वन रुपी क्वाइन थ्री टाइम्स. एक रुपए का जो सिक्का है उसको हमको तीन टाइम्स उछालना है. एंड नथिंग एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हरी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. अब देखिए, एक जो हम गेम खेलेंगे, एक जिसमें कि हमको क्या करना है, एक रुपए का सिक्का उछालना है हमको तीन बारी. ठीक है, और उसके आउटकम्स हमको चेक करने हैं. हरीफ विंस इफ ऑल द टाइम्स, और हरीफ तब जीतता है जब उसमें से रिजल्ट क्या आते हैं, हमेशा एक जैसे आते हैं. मतलब तीन बार हमने किसी सिक्के को उछाला और रिजल्ट आना चाहिए हेड 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 या टेल टेल टेल, तभी जाके वो हरीफ जीत सकता है उस गेम को. तो अदर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हरीफ विल लूज द गेम. अब वो बोल रहे हैं कि वो चांस बताइए कि हरीफ क्या हो उस गेम को हार जाए. तो हरीफ मतलब कब जीतेगा उस गेम को, जब या तो हेड 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 आ जाएं या टेल 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 आ जाएं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमको चांसेस हमको चेक करने पड़ेंगे कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं. देखिए, जब हम सिक्के उछालेंगे तो देखिए, हमने तीन बार सिक्के उछाले तो क्या आ सकता है इसमें से, हेड 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 आ सकता है या तो फिर टेल 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 आ सकता है. मतलब इन दो केसेज में ही वो जीत सकता है. मतलब ये दो तो हमारे चांसेज हैं नहीं, क्योंकि इन दोनों में जीतना है, क्योंकि हमको निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके हारने की. लूजेज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हरीफ विल लूज द गेम. ठीक है, अब देखिए और क्या चांसेस बन सकते हैं. हेड टेल टेल बन सकता है, हेड हेड टेल बन सकता है. ठीक है, या हेड टेल टेल हो गया आपका, हेड टेल हेड हो सकता है. ये तो हो गई पॉसिबिलिटीज. अब टेल की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं. टेल की क्या हो सकती है, तीनों टेल हो सकते हैं, या देखिए टेल हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है. इतनी सारी पॉसिबिलिटीज इसमें बन सकती हैं. देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज इन सिक्कों को उछालने में बन सकती हैं. अब वो बोल रहे हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट हरीफ विल लूज. तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए इन दोनों में तो वो जीत रहा है, इसका मतलब इसके अलावा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें हार सकता है. देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 8, 3 डिवाइडेड बाय 4. तो ये पॉसिबिलिटीज है कि हरीफ उस गेम को हार जाएगा.